हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज। हमें गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक ग्राउंड सरफेस मान लेते हैं और इस ग्राउंड सरफेस पर 20 मीटर की हाइट से, इसको मान लेते हैं हम h, एक बॉल को थ्रो किया जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है v नॉट। अब जब ये बॉल ग्राउंड के साथ में कोलाइड होती है तो ये अपनी 50% एनर्जी को लूज कर देती है और फिर जब रीबाउंड होती है तो सेम हाइट तक होती है। इट मीन्स अगेन ऑफ द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो बच्चों, सबसे पहली बात है, जब ये बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी तो इसके पास में टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं एम जी एच। अब जब ये ग्राउंड से कोलाइड हो जाती है तो इसके पास 50% एनर्जी बची है क्योंकि 50% एनर्जी लूज कर चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे? 50% ऑफ दिस एनर्जी, इट मीन्स 50% ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल्स टू आ जाएगा, सेम हाइट कवर करती मीन्स पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है तो आ जाएगा एम जी एच। अब ये कैंसिल होकर हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा यहाँ पर हाफ, तो मिल जाएगा बच्चों हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgh माइनस mgh। तो राइट हैंड साइड में मिलेगा mgh और लेफ्ट हैंड साइड सेम है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब बच्चों m m कैंसिल हो जाएगा तो हमें वी नॉट का आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू गिवन है 20। So this is 20 meter per second. So correct answer for the initial velocity is option B. Thank you.